माँ बाप ने जो सिखाई हर बात याद रखना। माँ बाप ने जो सिखाई हर बात याद रखना, शुक्राना करते रहना, अपनी औकात याद रखना। तो एक सुनेगा कि तू हो वे डायरी, मैं फुल गुलाब दा होवां। तू हो वे डायरी, मैं फुल गुलाब दा होवां। तू लिखे शायरी, मैं दूर कदे ना होवां। तू हो वे डायरी, मैं फुल गुलाब दा होवां। तू लिखे शायरी, मैं दूर कदे ना होवां। जद सुक जान पत्ते ते सुक जे मेरी टाणी भी, तेरे हर पन्ने ते बनिया हाय एक निशान मैं होवां। जिनको समझ लग गया बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एक बार फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। गुलाब के पन्नों को जब डायरी में बंद करते हैं तो उसका लाल निशान छूट जाता है पन्ने पे, तो उसके ऊपर लिखने की कोशिश की थी। तो आगे एक और पंजाबी का ही शेर सुनेगा कि तेरे हिस्से दे दुख अपने हिस्से करा लांगे, तेरे हिस्से दे दुख अपने हिस्से करा लांगे, शायरी राही अपना इश्क भी जता लांगे। कि तेरे हिस्से दे दुख अपने हिस्से करा लांगे, शायरी राही अपना इश्क भी जता लांगे। घड़ी भी हौली हौली चलती है अज, जे इंतजार लंबा है तो खुद तो भी करा लांगे। खुद तो भी करा लांगे। के आज लबों पे तेरा नाम आया, दर्द खुशी भी अपने साथ लाया, लिखते न जाने कब से थे हम, असर तेरे जाने के बाद आया। पहले के ये हुस्न पर अपने तुम्हें गुमान कैसा है, ये हुस्न पर अपने तुम्हें गुमान कैसा है, तुम्हारे शहर का बताओ आसमान कैसा है। देव भाई से सुना होगा आपने बहुत ज्यादा ये शेर। तो ये हुस्न पर अपने तुम्हें गुमान कैसा है, तुम्हारे शहर का बताओ आसमान कैसा है। तुम तो कहती हो तुम सिर्फ मेरी हो, तुम तो कहती हो तुम सिर्फ मेरी हो, तो गर्दन पर तुम्हारी ये निशान का। तो गर्दन पर तुम्हारी ये निशान कैसा है। अच्छा, मेरे से बहुत लड़कियां जो थी वो खफा भी हुई थी कि ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये क्या है। तो मैंने थोड़ा इसका काउंटर पार्ट भी लिखने की कोशिश की थी, तो प्लीज उसको भी थोड़ा सुनिएगा। मैंने सुनाया भी नहीं अभी तक कहीं पर ये, कि इश्क कर ही बैठे तो फायदा नुकसान कैसा है, इश्क कर ही बैठे तो फायदा नुकसान कैसा है, मोहब्बत करते हो तो एहसान कैसा है। इश्क कर ही बैठे तो फायदा नुकसान कैसा है, मोहब्बत करते हो तो एहसान कैसा है। बेटी आज खुश नहीं है अपने घर पे, बेटी आज खुश नहीं है अपने घर पे, अरे तो देखना था कि खानदान कैसा है। अरे तो देखना था कि खानदान कैसा है। औरत को पांव की जूती समझने वालों, औरत को पांव की जूती समझने वालों, उन्हें चूमने वाला पायदान कैसा है, उन्हें चूमने वाला पायदान कैसा है। हिजरत तो सबने गुजारी है हमारी तरह, हिजरत तो सबने गुजारी है हमारी तरह, तुम्हारा ढोल पीटना शरेआम कैसा है, तुम्हारा ढोल पीटना शरेआम कैसा है। तुम शायरी छोड़ो नायाब और ये बताओ, तुम शायरी छोड़ो नायाब और ये बताओ, तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा है। तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा है। एक सुनिएगा कि क्यों लिखा मैं बेकदरी सजना, थोड़ा ट्विस्टिंग सी है, ट्विस्ट है। अरुण भाई आप सुनना, आपको मजा आएगा। कि क्यों लिखा मैं बेकदरी सजना, कुछ मोहब्बत बारे लिख लेना, तेरी फोटो सराहने रख कुछ शायरी वायरी लिख लेना। क्यों लिखा मैं बेकदरी सजना, कुछ मोहब्बत बारे लिख लेना, तेरी फोटो सराहने रख कुछ शायरी वायरी लिख लेना। तू आ जा मेरे मूरे सजना, तेरे तो सब कुछ सीख लेना, तू आ जा मेरे मूरे सजना, तेरे तो सब कुछ सीख लेना, करके वादे झूठे सारे लोकां दा दिल जित लेना, करके वादे झूठे सारे लोकां दा दिल जित लेना।
ਕਿਵੇਂ ਹੰਝੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਾਰੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਬੇਕਦਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਬੇਕਦਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਲੜਕੋਂਗੇ ਸਾਥ ਹੁਆ ਪਰ ਮੈਨੇ ਸੁਣਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲਾਈਨੋਂ ਮੈਂ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਹੂਹਾ ਹੂਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕੌਫੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕੌਫੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਮਲੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦੱਸਦੀ ਕਮਲੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਆਂਖੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਚਾਹੀਏ ਆਂਖੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਚਾਹੀਏ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਅਬ ਵੀਰਾਨੀ ਚਾਹੀਏ ਆਂਖੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਚਾਹੀਏ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਅਬ ਵੀਰਾਨੀ ਚਾਹੀਏ ਸ਼ੇਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੂੰ ਤੋ ਕਰੂੰ ਕੈਸੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੂੰ ਤੋ ਕਰੂੰ ਕੈਸੇ ਆਜ ਤੋ ਵੋ ਛੱਤ ਪਰ ਆਨੀ ਚਾਹੀਏ ਆਜ ਤੋ ਵੋ ਛੱਤ ਪਰ ਆਨੀ ਚਾਹੀਏ।